दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। एक पल में टूटे दुल्हन के सपने। पति निकला नपुंसक तो ससुरालियों ने देवर को भेजा, बाहर से लगा दी कमरे की कुंडी। हाथ में रची मेहंदी और सुहाग की चूड़ियां पहनकर जब नवविवाहिता कोतवाली पहुंची तो लोग देखकर हैरान रह गए। विवाहिता ने पुलिस को रोते हुए कहा कि मेरा जैसा नसीब किसी भी बहन का ना नहीं। बरेली के नवाबगंज में शादी के बाद ससुराल पहुंची विवाहिता के उस समय होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसका पति नपुंसक है। 3 दिन बाद विवाहिता दोबारा ससुराल पहुंची तो ससुरालियों ने विवाहिता के पास देवर को सुला दिया। आरोप है देवर ने विवाहिता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। विवाहिता के विरोध करने पर ससुरालियों ने मारपीट कर निकाल दिया। विवाहिता ने ससुरालियों के खिलाफ थाना नवाबगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव के किसान ने अपनी बेटी की शादी 25 जून 2023 को थाना मीरगंज के एक गांव के युवक के साथ की थी। विवाह के बाद नवविवाहिता सुनहरे सपने लेकर खुशी खुशी ससुराल पहुंची। विवाहिता की खुशी उस समय धूमिल हो गई जब उसे पता चला कि उसका पति नपुंसक है। 2 दिन ससुराल में रुकने के बाद मायके आ गई। 30 जून को ससुरालियां दोबारा विदा कराकर ले गए, लेकिन मामले की जानकारी विवाहिता ने लोगलाज के डर से अपने परिजनों को नहीं दी। ससुराल पहुंचने पर विवाहिता ने अपने ससुरालियों को बताया कि उसका पति उससे बात तक नहीं कर रहा है। ससुरालियों ने विवाहिता को समझा बुझा कर शांत करा दिया। आरोप है कि ससुरालियों ने विवाहिता के देवर को उसके पति की जगह उसके कमरे में भेज कर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। आरोप है कि विवाहिता के साथ देवर रात भर दुष्कर्म कर वीडियो क्लिप बना ली। सुबह को जब विवाहिता ने विरोध जताया तो ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। विवाहिता ने अपने मायके वालों को दी। मायके वाले विवाहिता की ससुराल पहुंचते उससे पहले ही उसे मारपीट करके घर से निकाल दिया। पीड़ित विवाहिता ने ससुरालियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि महिला ने तहरीर दी है, पुलिस को जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाथ में मेहंदी और सुहागिन की चूड़ियों के साथ कोतवाली पहुंची विवाहिता। हाथ में रची मेहंदी और सुहाग की चूड़ियां पहनकर जब नवविवाहिता कोतवाली पहुंची तो लोग देखकर हैरान रह गए। विवाहिता ने पुलिस को रोते हुए कहा कि मेरा जैसा नसीब किसी भी बहन का ना निकले, ससुरालियों ने मेरा जीवन बर्बाद कर डाला।